हमें दबाना होता है F12, क्या प्रेस करते हैं F12, तो F12 प्रेस करते ही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो आएगा। यहाँ पर आप यहाँ पे जाओ, क्लिक करते ही कल मैंने पढ़ाया होगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, बिल ऑफ मटेरियल दिख रहा है यहाँ पर, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। आफ्टर प्रेसिंग F12 यू हैव टू जस्ट एक्टिवेट दिस बिल ऑफ मटेरियल ऑप्शन, एंड आफ्टर दिस जस्ट एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट कराने के बाद आप स्केप से बाहर आइए। स्केप से बाहर आने के बाद मुझे एक वाउचर बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्फो में जाओ और यहाँ पर वाउचर का टाइप आता है और क्रिएट कर लो, लिख देना बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं BOM, BOM, ठीक। अब यहाँ पर ये किसके अंदर जाएगा, ये किस कैटेगरी में जाएगा, किस वाउचर में जाएगा, ये जाएगा स्टॉक जनरल में, स्टॉक जनरल में। और यहाँ पर सबसे लास्ट में दिख रहा होगा यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको आप यस कर लो, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल। जैसे ही आप इसको यस करोगे, मुझे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर एक वाउचर बन चुका है बिल ऑफ मटेरियल का, आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हो, टॉप पे दिख रहा होगा बिल ऑफ मटेरियल का वाउचर तैयार हो चुका है। अब इसका यूज हम बाद बताएंगे, पहले हम बनाने जा रहे हैं कैसे हम लोग असेंबल करते हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं यूनिट ऑफ मेजर्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, यूनिट ऑफ मेजर्स में क्रिएट करेंगे यूनिट, मैंने कहा NOS, NOS मतलब हो गया नंबर, बताइए यूनिट बनाते हैं इन्वेंटरी में, यूनिट जिस यूनिट में आप सेल करोगे, सेल परचेस जिसमें करना है उसको हम बोलते हैं यूनिट। ग्रुप बना लिया मैंने, मैंने बोल दिया ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ठीक। इसके बाद हमारे पास आइटम्स आएंगे, तो आइटम्स देखो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले मैंने बोल दिया टायर्स की बात करते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होंगे ना उसको हम बनाएंगे, जिसमें लिखा टायर्स, ठीक। ये किस ग्रुप का है, मैंने कह दिया ये ऑटोमोबाइल का पार्ट है, नंबर में उसको डील करेंगे, और यहाँ पे BOM को भी यस नहीं करेंगे, जब असेंबल करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। अब मैंने टायर से लिया, फिर मतलब कार की बॉडी की बात करें तो कार बॉडी बोल दिया मैंने, ये भी जाएगा किसमें, ऑटोमोबाइल में डाल दो, नंबर्स में डाल दो, यहाँ पे BOM को यस नहीं करेंगे। फिर मैंने कह दिया इंजन की बात करी, इंजन ले लिया, इंजन भी ऑटोमोबाइल में जाएगा, नंबर में जाएगा, यहाँ पे BOM को यस नहीं करेंगे। अब मैंने स्टीयरिंग की बात कर ली, स्टीयरिंग, और ये भी जिसमें आएगा नंबर्स में और एक्सेप्ट करते हैं। अब हम कार जो बनाने जा रहे हैं, मैंने कहा मारुति 800 सीसी बना रहे हैं, मारुति 800 सीसी की हम बाइक बना रहे हैं, या 1000 सीसी की बाइक बना रहे हैं, सॉरी कार बना रहे हैं, तो मारुति 1000 सीसी लिखा और यहाँ पे ऑटोमोबाइल ग्रुप में जाएगा, बट नंबर में तो सेल करेंगे लेकिन यहाँ पर हमें कंपोनेंट को असेंबल करना है, इसलिए इसको यस करेंगे, बॉम को यस कर देंगे। यस करने के बाद पूछेगा बॉम का नाम क्या है, तो मैंने कह दिया यूनिट ऑफ कार, यूनिट ऑफ कार बोल दिया, एक कार की बात कर रहे हैं, तो अब बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट, एक कार बनाने में क्या क्या लगाओगे, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या, एक, यानी एक पीस हम कार का बनाएंगे तो उसमें कार बॉडी कितनी लगेगी, एक लगेगी, इंजन कितना लगेगा, एक लगेगा, स्टीयरिंग कितना लगेगा, वन, और टायर कितने होंगे, पांच होंगे एक स्टेपनी के लिए, ठीक है। तो ये पांच चीजें मैंने क्या कर दी, पांच टायर्स हो गया, एक स्टीयरिंग हो गया, एक इंजन हो गया, एक कार बॉडी हो गई, ये एक कार में असेंबल करते समय लगेगा, और यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट कर दो, ठीक। ये हमारी मारुति का बन चुका है, काम हो चुका। अब हम स्केप से बाहर जाएंगे और जो लेजर बनाते हो वो लेजर बना लो जैसे बनाते हो, परचेज अकाउंट अंडर किसमें जाता है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट किसमें जाता है, सेल्स अकाउंट, सप्लायर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, एक्सेप्ट कस्टमर अंडर सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर, एंड कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट, ये हमारे लेजर्स बनके तैयार हो चुके हैं। स्केप से बाहर आ जाओ। अब मैंने क्या करना है, जो आइटम्स खरीदने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है और असेंबल करेंगे, क्योंकि मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो F6 से क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, तो आप प्रेस करो F6 और कैश रिसीव कर लो, किससे रिसीव करेंगे बताइए, किससे करेंगे रिसीव, कैपिटल से, और डाल दिए अमाउंट जो भी आपको रिसीव करना है, एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, कच्चे माल खरीदना है जो कि हमें कार में यूज करेंगे,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे, F9 से हम परचेस करते हैं, पता ही होगा। अब परचेस करेंगे तो लिखा मैंने PUR_01, PUR_01, और यहाँ पर पार्टी का नाम डाल दिया, सप्लायर से हम खरीद रहे हैं। क्या क्या खरीदेंगे वो देखो, हम क्या क्या खरीदने जा रहे हैं। F9 परचेस PUR_01 एंटर, सप्लायर परचेस, देन यहाँ पर करो आइटम क्या खरीद रहे हैं। मैंने कहा कार बॉडी खरीदी, 50 पीसेस खरीदा, एक पीस का प्राइस कितना लगाया, मैंने कहा 1 लाख रुपीस का एक कार बॉडी का प्राइस है, तो 5 लाख हो गए। फिर मैंने कहा इंजन लिया, कितने इंजन लिए, मैंने कहा 100 इंजन परचेस किया, एक का प्राइस है 60,000, एक इंजन का प्राइस 60,000। फिर मैंने स्टेज दबाया, फिर मैंने कहा स्टीयरिंग, मैंने कहा 100 स्टीयरिंग्स ली, जिसने एक स्टीयरिंग की प्राइस है 3,000। और टायर्स की बात करें कि टायर्स कितने परचेस किए, तो टायर पे आया था, मैंने कहा कि 600 टायर्स मैंने खरीद लिए, 600 टायर, और एक टायर की कीमत है 4,500। तो यहाँ पर हमारे पास सारे रॉ मटेरियल हो गए कार को जोड़ने के लिए, यानी कार असेंबल करने के लिए जितने भी मुझे चाहिए थे आइटम्स वो मिल गए, मैंने खरीद लिया। अब हम कार को असेंबल करेंगे और उसके लिए यूज करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर जाना, यहाँ पर मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल, स्टॉक जनरल के लिए शॉर्टकट की होती है, आप प्रेस करना कंट्रोल प्लस एफ, देखो यहाँ पर फिजिकल स्टॉक आ रहे हैं, यहाँ पर हमें स्टॉक जनरल खोलना है, स्टॉक जनरल चाहिए, स्टॉक जनरल। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे स्टॉक जनरल, यहाँ पर मिल जाएगा आपको स्टॉक, इन्वेंटरी वाउचर में जाना, यहाँ देखो लिखा रहा होगा स्टॉक, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है सिस्टम्स में। अब यहाँ पे देखो स्टॉक जनरल आ रहा है, स्टॉक जनरल पे क्लिक करोगे ऑल टैब 7, तो हमें क्या मिल रहा है बिल ऑफ मटेरियल, तो हमें चूज करना है बिल ऑफ मटेरियल, या ऑल टैब 7 प्रेस करते हैं, तो देखो बॉम आ गया। अब पूछ रहे कौन सा आइटम बनाना चाहते हो, तो मैंने कहा मुझे बनाना है मारुति 1000 cc की बाइक बनानी है, सॉरी कार बनानी है। अब कितने क्वांटिटी बनानी है, मैंने कहा कि मुझे 40 नहीं 50 पीसेस बनानी है, 50 पीसेस की रिक्वायरमेंट है कार बनाने की। जैसे मैं 50 लूंगा तो वो अपने आप ही उठा लेगा कितने कितने आइटम्स उसको चाहिए 50 कार की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। देखो 50 कार बॉडी उठा ली, 50 स्टीयरिंग, 50 इंजन, और टायर्स कितने उठाए हैं 250, क्योंकि एक कार में कितना लग रहा था 5 लग रहा था, एक स्टेप में और 4 टायर। जब ये हो गया तो देखो यहाँ पर ओवरऑल जो प्राइस बन रही है वो कितने का पड़ रहा है, 92,75,000 का, 92,75,000 का ओवरऑल आपका आइटम पड़ रहा है, 50 कार्स की कॉस्ट पड़ रही है। और एक कार कितने का पड़ रहा है वो है इफेक्टिव कॉस्ट, दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा रहा है 1,85,000, 1,85,500 का पड़ रहा है पर नंबर, नंबर मतलब क्या हुआ एक कार की प्राइस का बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आइटम तैयार हो चुका है, अगर कुछ एडिशनल कॉस्ट इस पे कंपोनेंट पे लग रहा है तो मैंने बताया था लेबर चार्ज, तो यहीं पे ऑल्ट सी दबा देना और लिख देना लेबर चार्ज, लेबर चार्ज, और डाल देना यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस में, डालना डायरेक्ट एक्सपेंस में, और एंटर करना कितने परसेंट, मैंने कहा कि 30% लेबर चार्ज लग रहा है, तो देखो 30% प्राइस और जुड़ गया और वही कार अब मुझे कितने का पड़ रहा है 2,41,150 रुपए की। यानी अगर मैं इस कार को बेचूं तो मुझे कम से कम 2,41,000 2,41,000 से ज्यादा का बेचना होगा, समझ आ गया। अब स्केप से बाहर जाओ और यहाँ चेक करो स्टॉक समरी में कि तुम्हारे पास कौन कौन से आइटम्स हैं, तो दिख रहा होगा यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा क्या क्या आ रहा है, नजर आ रहा है डिटेल कि 50 इंजन है मारुति कार, कितने हैं 50, और स्टेयरिंग 50 बचे हैं, और टायर कितने बचे हैं 350। तो अब हमें आइटम को सेल करना है, आइटम किसको सेल करना है, सप्लायर को नहीं कस्टमर को, तो F8 प्रेस करेंगे और F8 सीधा करेंगे सेल करेंगे, किसको करेंगे कस्टमर को, तो लिख दिए SAL_01 और यहाँ पे चूज कर लिया कस्टमर, और जितने का मैंने मुझे कार बनाने पड़ा है उससे ज्यादा का बेचेंगे। तो यहाँ पर देखो मारुति है, मैंने कहा 50 पीसेस सेल तो कर रहा हूँ लेकिन प्राइस क्या लगा दिया, मैंने कहा 4 लाख रुपीज को मैं सेल कर रहा हूँ, 4 लाख रुपीज पर कार। तो अब ये कार क्या हो गया सेल हो चुका है।
बनाया हमने क्या, खरीदा क्या हमने रॉ मटेरियल, और बनाया क्या कार, और बेच क्या रहे हैं कार, क्योंकि मेरी कार सेलिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमारे पास नेट प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1,07,25,000 का, 1,07,25,000 का ये हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया कुछ, ये होता है हमारे